हेलो एवरीवन, दृष्टि एस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का विषय है UNFCCC COP28। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई UAE में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2028 में भारत में COP33 की मेजबानी का भी प्रस्ताव रखा। चलिए अब जानते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। तो ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। इसकी पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। ये ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ये जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए UNFCCC के निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। कोप के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें शामिल है जलवायु आपदा से निपटने के लिए वैश्विक सहमति विकसित करना, वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, उन समुदायों की सहायता करना जो जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। इसका लक्ष्य 2050 तक मानव निर्मित या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके निष्कासन के साथ वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को संतुलित करना है। चलिए अब नजर डालते हैं COP28 के प्रमुख सुझावों पर। तो वैश्विक जल विद्युत क्षमता पंप किए गए जल विद्युत को छोड़कर को लगभग 17% बढ़ाकर 1465 गीगावाट तक पहुँचाना। कुल बिजली में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का योगदान 40% होना चाहिए जो 2021 में 10% से अधिक है। 2030 तक ऊर्जा तीव्रता में सुधार की वैश्विक वार्षिक दर को दोगुना करना। डिकार्बनाइजेशन के लिए हीट पंप, कुशल उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट विद्युतीकरण और विकेंद्रीकृत ऊर्जा को प्राथमिकता देना। आपूर्ति पक्ष लचीलेपन और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए ग्रिड आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा देना। निवेश को $486 बिलियन से बढ़ाकर $1,300 बिलियन करना। दक्षिणी गोलार्ध ऊर्जा संक्रमण समर्थन के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करना। बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्त पोषण में तेजी से वृद्धि करना और सार्वजनिक पूंजी को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पुनर्निर्देशित करना और क्रॉस सेक्टर की योजना में तेजी लाना, सीमा पार सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय पावर ग्रिड विकसित करना। चलिए अब जानते हैं UNFCCC के बारे में। तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का संक्षिप्त रूप है। ये वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है। इसे 21 मार्च 1994 से लागू किया गया और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। और दूसरा कथन, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही है ऑप्शन से ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।